हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। मेरा ये वीडियो आज का जो है बाम्बू ट्री के ऊपर है। बाम्बू ट्री, ये मेरा पुराना बाम्बू ट्री है और ये बाम्बू ट्री वैसे तो अभी भी बहुत अच्छा है, केयरिंग भी इसकी सही हो रही है और घना भी है बाम्बू ट्री मेरा अभी भी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो मेरा बाम्बू ट्री है, बाम्बू ट्री के केयर कैसे करना है और उसकी ग्रोइंग कैसे होगी, मैं उसके बारे में आज आप लोगों को टिप्स बता रहा हूँ। देखिए मेरा बाम्बू ट्री कितना ग्रीन है और घना भी है। बाकी पहले भी मैं बाम्बू ट्री लगाया था, पहले का बाम्बू ट्री मेरा छोटा था और तो वो हम लोग कहीं चले गए थे काफ़ी टाइम के लिए, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो कहते हैं कि ख़राब बाम्बू ट्री को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपका बाम्बू ट्री ख़राब हो रहा है तो आपको इमिजिएटली उसको घर से दूर रख देना चाहिए, या फिर जहाँ जहाँ ख़राब हुआ है उसको कटिंग करके आप मिट्टी में लगा सकते हो या फिर आप वाटरिंग में भी कर सकते हो एज ए कंटेनर में लेकर। तो फ्रेंड मैं आज बता रहा हूँ आपको बाम्बू ट्री का केयर कैसे करना है। बाम्बू ट्री जो होता है उसमें पानी में रहता है, तो उसमें अगर आप लंबे टाइम तक तो पानी में रहता है और उसमें स्मेल आने लगती, गंदी स्मेल आती है, तो आपको हफ्ते में दो बार अच्छे से उसको साफ करना है, सावर देना है उसको पत्तों को अच्छे से। देखिए पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे। सावर देना है और उसके जड़ है जो रूट है उसको अच्छे से धोना है, अच्छे से साफ करना है। उसके बाद हफ्ते में दो बार आपको करना है, पानी का ख्याल रखना है। पानी आप कोशिश करो कि आप आरओ का पानी लो, आरओ का पानी यूज़ करो। देखिए ये मेरा उरली है, उरली जो हम पहले यूज़ करता था, मैं उसमें लोटस रखता था, मैं फ्लोटिंग लोटस, तो अभी नहीं है। तो मेरा जो कांच का जो बाउल था वो छोटा था, तो मैं उसको कहीं रख दिया हूँ और उसके जगह पे मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ जो मेरा टेराकोटा का उरली है। तो उरली में भी बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत अच्छा लुक आता है, देख रहे हो। एक पुराना हमारा उरली है, हम उसी को एज ए प्लांटर बाम्बू ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए ये रूट, देखिए आपको अच्छे से साफ करना है हफ्ते में दो बार, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से इसको साफ करना है, रूट को धोना है ताकि इसमें से स्मेल ना आए, क्योंकि गंदी स्मेल आती है, इसलिए आपको ख्याल रखना है इस चीज़ की। और इसके सपोर्ट के लिए आप इसके अंदर कंचे या इस प्रकार के जो आते हैं ना आप वो रख सकते हो। इससे क्या है उसके खड़ा होने में, मतलब स्टैंडिंग और इस तरह के लिए अच्छा रहेगा उसको। इस टाइप से आप कुछ भी पत्थर जो आते हैं चमकीले पत्थर ये सब रख सकते हो, कंचे भी रख सकते हो आप, ताकि वो स्थिर रहे, अच्छे से रहे पानी में। और फेंग शुई के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, फेंग शुई में इसका इस्तेमाल किस प्रकार से, दक्षिण पूर्व दिशा में बाम्बू ट्री को रखा जाता है। अगर आप फेंग शुई को मानते हो और आप चाहते हो कि बाम्बू ट्री अच्छी खुशियाँ लाए, एनर्जी अच्छी एनर्जी लाए, पॉजिटिव एनर्जी लाए घर में, तो आप इसको दक्षिण पूर्व दिशा में रखिए। दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से इस फेंग शुई के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन चीज़ है, बाम्बू ट्री को सूखने कभी नहीं देना चाहिए। बाम्बू ट्री जो रहता है जहाँ पे अभी होता है वो खुशियाँ लाता है और नेगेटिव एनर्जी होती है उसको दूर लेके जाती है। आप कोशिश करो, आपके फ्रेंड है, किसी की शादी है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, तो आप बाम्बू ट्री गिफ्ट कीजिए। बाम्बू ट्री उसको देखने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और घर में भी खुशियाँ आती है, मेल जोल बढ़ता है इससे। आप कोशिश करो कि अपने घर में बाम्बू ट्री रखो, डाइनिंग टेबल में रखो, सेंटर टेबल में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन दिशा का भी ख्याल रखो कि दक्षिण पूर्व दिशा में हो और डायरेक्ट जहाँ से सनलाइट आ रही है ऐसे विंडो के पास ना रखें जहाँ पे सनलाइट आ रही है, जिससे कि उसको धूप ज़्यादा लगे और वो जल जाए। धूप की वजह से ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन हल्की सी कभी रेयरली कभी भी आप अचानक से दे सकते हो, लेकिन ज़रूरी कि धूप इसको देना ही है। हल्की सी धूप कभी दे दो, बहुत रेयरली महीने में एक बार, वो भी बहुत हल्की सी धूप। तो बाम्बू ट्री का टिप मैं आपको बता रहा हूँ, उसको केयर कीजिए, ध्यान दीजिए, आपका बाम्बू ट्री भी बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा बाम्बू ट्री आप देखिए कितना घना है और हरा भी है, आप देख रहे हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको ना।
आपको हफ्ते में 2 बार इसको वॉश करना है, अच्छे से पानी से नहलाना है, शावर देना है और पानी भी चेंज करते रहना है। आप कोशिश करो कि आप ऑरो का वाटर, ऑरो वाटर यूज़ करो इसके लिए। तो फ्रेंड ये कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा और बॉम्बोट्री के बारे में और बहुत सारी बातें बताऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय।